टॉपिक 11.3 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब टॉपिक 11.3.1 हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैसे करके डिस्कवरी हुआ था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो जो पहला लाइन है उसमें लिखा है द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1887 बाई हेनरी हर्ट्ज ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जाके इसको समझ पाएंगे। ओके, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट को समझते क्या था वो। ओके, जो इस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम लोग जस्ट इस पैरा को समझने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझना ज़रूरी है इसके आगे का लाइन को समझने के लिए। ओके, इसीलिए इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था। इसमें P1 एंड P2 दो मेटालिक प्लेट हैं और इस प्लेट के बीच में भी डिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, और इस जो P1 के साथ एक देखो अनदर एक स्फीयर S1 स्फीयर मेटालिक स्फीयर कनेक्टेड है, और P2 के थ्रू एक S2 स्फीयर कनेक्टेड। मतलब ये प्लेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड होता है P1 एंड P2 में, इस एज लाइक कैपेसिटर। ओके, और उस जगह से दो S1 एंड S2 स्फीयर कनेक्टेड है दोनों प्लेट्स, और इंडक्शन कॉइल क्या होता है जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं मोर देन 1000 वोल्ट। ओके, सेवरल 1000 वोल्ट्स यू कैन से। तो अभी इंडक्शन कॉइल ये दोनों में ज्वाइन करने से S1 S2 के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखो एक रिसीवर टाइप का लिखा है, तो इसमें क्या होता है एक रिंग होती है जिसके दोनों एंड में काट एंड में दो मेटालिक स्फीयर होता है जिसको S1-S2 बोला जा रहा है डायग्राम में। ओके, क्या होता है देखो, जब भी इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इंडक्शन कॉइल के थ्रू तो S1-S2 के बीच में स्पार्किंग शुरू होती है, और साइमल्टेनियसली इस जगह पे भी स्पार्किंग दिखाई देते हैं। तो इसी जगह से ये मतलब डाउट आए कि S1-S2 में जब स्पार्किंग हो रहा है तो S1-S2 के अंदर स्पार्किंग कैसे हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो S1-S2 के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, हाउ कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, और इसी हाउ का आंसर कैसे दिया जाएगा उसके वजह से इसी को जब इन्वेस्टिगेट किया गया था तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोड्यूस हुआ था, जो तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़े हो, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ऑल, जो अभी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है लेकिन अभी थोड़ा सा ज़रूरत है उसके बारे में बोलना। ठीक है बेटा, तभी इस पैरा में दो चार लाइनें लिखे हैं, लेकिन वो सारे लाइन को अच्छा से समझने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, तो माइंड में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, जस्ट इसको समझ लो क्या होता। तो हमने अभी तक जो चीज़ बोला S1-S2 में जो स्पार्किंग हुआ साइमल्टेनियसली S1-S2 में भी स्पार्किंग हुई, तो और एक क्यों हुआ, तब जाके इसका इन्वेस्टिगेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कवरी हुई। ओके, और बाद में पता चला इट इज़ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और इसी एक्सपेरिमेंट को इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तुम लोग जानते हो थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। ओके, तो स्पार्क और स्पार्किंग के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है
उसके बारे में पता चलेगा। ओके, और तुम लोग ये भी जानते हो कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कोई चार्ज पार्टिकल है उसका दो कंडीशन होता है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है, चार्ज पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है। रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि स्पार्किंग के बाद स्पार्किंग जो हो रहा था उसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे आया उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला, मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। भाई मोशन भी दो टाइप का होते हैं, चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या टाइप होता है उसमें, एक तो होता है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और नहीं तो पार्टिकल में एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब जाते हैं कोई चार्ज पार्टिकल तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और एक्सेलरेशन के थ्रू जाएगा तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, इस तरह के चेंज होगी। तो जब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं तब वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। ठीक है, थोड़ा उसका रिविजन भी होगी। अभी देखते हैं कि यहाँ पे स्पार्किंग जो है, जो स्पार्किंग हो रहे हैं ना उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे करके एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल आया, तो उसको भी थोड़ा स्टडी कर देते, थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लेते। अच्छा, एस वन एस टू के बीच में होता क्या, एयर होता है, दैट इज क्लियर। एयर तो इंसुलेटर होता है, लेकिन जब एस वन एस टू के बीच में जब हाई पोटेंशियल होते हैं तब क्या होता है, ये तो तुम्हारा हाईली नेगेटिवली चार्ज या हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, और एस वन एस टू के बीच में एयर है, तब क्या होता है, जब हाई पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये जो एयर पार्टिकल पास से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। आई बोले यहाँ पे एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल इसके बीच में है, तो ये वाला जो पी टू वाला प्लेट फर्स्ट पार्टिकल के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, फर्स्ट वाला सेकेंड वाले एयर पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन खींचा, सेकेंड वाला थर्ड पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, फिर थर्ड पार्टिकल क्या होगा, एस वन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लिया। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ, हाई पोटेंशियल के वजह से एस वन से एस टू के तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन हाई पोटेंशियल के वजह से वहाँ पे तो एक फोर्स जेनरेट हो रहा है ना, फोर्स जेनरेट होगा, फोर्स जेनरेट होगा तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल के अंदर एक्सीलरेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन नहीं तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्सीलरेशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। दैट वाज द फर्स्ट टू लाइन इन दिस सब टॉपिक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ये जो हमने पूरा डायग्राम बनाया, डायग्राम का पूरे जो है वो क्या बता रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट ये है। अभी इस एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वेशन हुआ था, हर्ज ने इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ऑब्जर्व किया था, और उसके वजह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का डिस्कवरी हुआ था। फिर यहाँ पे एक चीज़ बात करता हूँ, ये यह तो यहाँ पे रिसीवर लिखा है ना, ये जो रिसीवर लिखा है ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिटेक्ट भी कर रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिटेक्टर, डिटेक्टर। ओके, रिसीवर भी करते, रिसीव भी कर रहा है, और एज वेल एज यू कैन से इसे डिटेक्ट भी कर रहा है स्पार्किंग के थ्रू। ओके, यहाँ पे स्पार्क हुआ तो यहाँ पे भी स्पार्क हुई, तो इसलिए रिसीवर कहते हैं, डिटेक्टर भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे डिटेक्टर वर्ड यूज़ किया है, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सेकेंड टू लाइन्स में एनसीईआरटी में ये लिखा गया, देखो, इन इज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, कौन सा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन का। ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मीन्स ऑफ स्पार्क्स डिस्चार्ज, हो रहा था ना स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा था एस वन डैश एस टू डैश में। हार्ट्ज ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर एनहांस्ड व्हेन द एमिटर प्लेट वॉज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द आर्क लैम्प। आर्क लैम्प क्या होता है, जो इलेक्ट्रो अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखोगे जब एमिटर प्लेट जहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, यू कैन से हियर ऑल्सो हियर ऑल्सो हियर ऑल्सो हियर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रही, उसी प्लेट में मान लो कि हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज यू वी रेज से इल्यूमिनेट करते हैं, तब दिखा गया कि जो स्पार्क हो रहा था ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जा रहा है। इसी ऑब्जर्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का डिस्कवरी हुआ था, इसीलिए वहाँ पे लिखा था हार्ट्ज ऑब्जर्वेशन, जो सब टॉपिक का नाम दिया गया था। तो हार्ट्ज ऑब्जर्वेशन कौन सा था, ये जो पूरी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका एक ऑब्जर्वेशन पार्ट यहाँ पे भी आया था, और उसको क्या बोलते हैं चांस ऑब्जर्वेशन। मान लो उस जगह पे जब अल्ट्रावायलेट मतलब एक्सीडेंटली किसी ने पुट किया तभी जाके ये चीज़ की डिस्कवरी हो गई। ओके, तो इस जगह पे अल्ट्रावायलेट रेस देने से स्पार्क क्यों एनहेंस हुआ, स्पार्क एनहेंस होने मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी बढ़ेगा जब एस वन में से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा निकलेगा, तो पहले तो नहीं निकल रहे थे जब अल्ट्रावायलेट रेस नहीं दिया, अभी क्यों निकल रहे। तब जाके ये पता चला कि जब कोई लाइट जैसे मान लो कि कैथोड यू कैन से हियर वहाँ पे इंसिडेंट करेगा तब तो वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वो सरफेस से बाहर आएगी, और वही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे जो स्पार्क को एनहेंस कर देंगे। ओके, क्लियर बात। तो और एक बार एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ता हूँ, देखो बेटा चार लाइन जस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, सिर्फ फोर लाइन्स। इन इट्स एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मीन्स ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज हार ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज पार्ट्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर एनहेंस्ड, मतलब बार गया था, व्हेन एमिटर प्लेट वॉज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम आर्क लैम्प। आर्क लैम्प से तो अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ये चीज़ है। इससे जो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का डिस्कवरी हो गया। ओके, उसके बाद इसे क्या कॉन्क्लूसन लिया गया था वो तुम देखो, यहाँ पे लिखा है लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल, यहाँ पे जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सर्फेस somehow facilitated the escape of free charge particles which we now known as electrons, पहले तो charge particles बोला जा रहा था लेकिन actually होता क्या electrons, when light falls on a metal surface some electrons near the surface absorb energy from the incident radiation to overcome the attraction of the positive ion in the metal material, positive ions in the material of the surface, जैसे कोई electron out हो रहा है तो उस जगह पे एक होगा पॉजिटिव नेचर आ जाएगी, अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो पुल करेगा, जाने नहीं देगा, लेकिन जब भी तुमने लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करोगे लाइट से क्या होगा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगा, और तब क्या करेंगे वो पॉजिटिव आयन जो पुलिंग फोर्स दे रहा है उसको ओवरकम करेगा और इलेक्ट्रॉन एस वन डैश से एस टू डैश की तरफ आ जाएंगे जो डिटेक्टर में हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आफ्टर गेनिंग सफिशियंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट द एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इन टू द सराउंडिंग स्पेस, सराउंडिंग स्पेस यहाँ पे कौन सी एस वन डैश से एस टू डैश की तरफ आ रहा है, तभी जाके क्या हो रहा है स्पार्किंग एनहांस हो रहा है। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया। इसमें से मैं चार पांच क्वेश्चन देंगे, उसको भी सॉल्व करके सेंड करोगे तो मेरे को पता चल जाएंगे तुम्हें समझ में आया और नहीं आया।